गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे इंग्लिश रीडर का, जो कि है क्लेवर तेनाली। क्लेवर मीन्स क्या होता है, जो चालाक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लेवर। स्ट्रिंग ऑफ रोबरीज टेक्स प्लेस इन विजयनगर। द कोतवाल ऑफ विजयनगर गेट्स वरिड अबाउट इट एंड टेक्स तेनाली राम्स हेल्प। स्ट्रिंग ऑफ रोबरीज का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, मतलब चोरी हो रही थी या डकैती हो रही थी। स्ट्रिंग मतलब एक के बाद एक, वो सिलसिला जो है वो चल रहा था कि लगातार चोरियां हो रही थी विजयनगर में। और जो कोतवाल था, कोतवाल मतलब जो पुलिस थी वहां की, वो इस बात से बहुत चिंतित थी और उसने किसकी हेल्प ली, तेनालीराम की हेल्प ली, जो विजयनगर में रहता था। द कोतवाल ऑफ विजयनगर वॉज वरिड अबाउट अ स्ट्रिंग ऑफ रोबरीज दैट हैड टेकन प्लेस। ही सॉट तेनालीराम्स हेल्प। तेनाली रेडिली एग्रीड टू नैब द रोबर्स। जो विजयनगर का कोतवाल था वो क्या था, बहुत ही चिंतित था, जो चोरियां जो डकैतियां बार बार विजयनगर में हो रही थी। उसने किसकी हेल्प मांगी, सॉर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ मांगना, तो उसने तेनालीराम की हेल्प मांगी। तेनाली जो था वो बहुत ही जल्दी से तैयार हो गया, मान गया उन रोबर्स को। नैब मतलब होता है दबोचना, किसी को पकड़ना। उन रोबर्स को, उन चोरों को पकड़ने के लिए जो है तेनाली जो है जल्दी से तैयार हो गया। तेनाली asked his wife to spread stories about their wealth. Soon the whole town talked about it. The robbers heard it too. तेनाली ने जो अपनी वाइफ को क्या बोला कि वेल्थ का मतलब क्या होता है, जैसे जो रिच होते हैं या पैसा होता है उसके बारे में बात करना। तेनाली ने अपनी वाइफ को क्या बोला कि उनकी जो रिचनेस है उसके बारे में हम लोग आसपास फैला देते हैं। धीरे धीरे यह बात जो है पूरे के पूरे टाउन में, विजयनगर में फैल गई और रोबर्स को भी ये बात उनके कानों तक पहुंच गई। लेट अस कीप ए वॉच ऑन तेनालीराम। अब जो रोबर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि चलो हम तेनालीराम पर नजर रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ स्टूडेंट्स। वन ऑफ द रोबर्स टुक अप ए जॉब इन तेनालीज हाउस सो दैट ही कुड स्पाई ऑन देम। तेनाली अंडरस्टूड देयर प्लान एंड डिसाइडेड टू ट्रिक देम। उनमें से एक रोबर ने क्या किया, तेनाली के घर पर नौकरी ले ली और क्या किया, उनके ऊपर नजर रखने लगे। स्पाई मतलब किसी चीज पर नजर रखना, चुप मतलब कि सीक्रेटली, कि उनको पता ना लगे। बट तेनाली को क्या था, उनका प्लान समझ आ चुका था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वह उनको किस तरह से पकड़ेगा। वी मस्ट हाइड अवर रिचेस फ्रॉम रोबर्स, द बेस्ट प्लेस वुड बी अवर वेल इन द गार्डन। अब तेनाली जो अपनी वाइफ को क्या कह रहा है कि जितना भी हमारा कीमती सामान है उसको हम चोरों से, रोबर्स से छुपा लेंगे, और सबसे अच्छी जगह कौन सी है उसके लिए, जो हमारे गार्डन में कुआ है, हम अपने कीमती सामान को, अपने रिचेस को उसमें छुपा देंगे। ठीक है। द नेक्स्ट नाइट तेनाली एंड हिज वाइफ ड्रैग्ड ए वुडन बॉक्स विच दे हैड फिल्ड विद स्टोन्स एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वेल। व्हाइल दे डिड दिस दे मेड श्योर दैट दे वर बीइंग वॉच्ड बाय द रोबर हु दे हैड हायर्ड। अब अगली रात को क्या होता है, तेनाली और उसकी वाइफ जो है एक भारी सा लकड़ी का बॉक्स जो होता है उसको खींचते हुए लेकर आते हैं, जो किससे भरा हुआ होता है, पत्थरों से, और उसको कुएं में फेंक देते हैं। जब वे ऐसा कर रहे थे उन्होंने क्या कंफर्म किया, श्योर किया कि जो चोर है, जो जिसको उन्होंने हायर कर रखा अपने घर में, वो उनको देख ले ऐसा करते हुए। द रोबर इमिडिएटली रैन टू हिज चीफ। अब जो रोबर था वो एकदम से तुरंत कहाँ गया, जो उनका चीफ था मतलब जो उनका हेड था उसके पास गया भागता हुआ। आई नो वेयर तेनाली हैज हिडन हिज रिचेस, दे आर इन ए बॉक्स दैट तेनाली एंड हिज वाइफ हैव ड्रॉप्ड इन देयर वेल। उसने क्या बोला, मुझे पता है तेनाली ने अपना कीमती सामान कहाँ पर छुपाया है, वह उस बॉक्स में है जो तेनाली और उसकी वाइफ ने कुएं में फेंक दिया है। द फॉलोइंग नाइट द रोबर्स वेंट टू तेनालीज हाउस। उसी रात को जो रोबर्स थे वो तेनाली के घर पर चले जाते हैं। इट इज ए हैवी बॉक्स, इट मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द वेल। वी विल फर्स्ट हैव टू ड्रॉ आउट ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल। चोर आपस में क्या बात कर रहे हैं कि वह एक भारी बॉक्स है, भारी जो चीज होगी वो क्या होगी, पानी में एकदम से नीचे चली जाएगी। तो क्या है, वो एकदम कुएं के नीचे होगी, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुएं से पानी को बाहर निकालना होगा, तभी हम उस बॉक्स तक पहुंच सकते हैं। दे स्टार्टेड ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब उन्होंने क्या किया, कुएं से पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया, एंड पोरिंग इट आउट, और उसको बाहर फेंकने लगे। मीन वाइल तेनाली वॉज बिजी मेकिंग ए पाथ फॉर द वाटर टू फ्लो टूवर्ड्स द प्लांट्स। अब जब वह कुएं से पानी को बाहर निकाल रहे थे, तेनालीराम ने क्या किया, उस पानी के लिए रास्ता बनाया ताकि वो जो पानी वो निकाल रहे थे वह प्लांट्स में चला जाए। सून ऑल द बेड्स ऑफ द प्लांट्स हैड एनफ वाटर। अब जो प्लांट्स थे उनमें क्या है, पानी भर चुका था बहुत ज़्यादा। ठीक है।
एनफ, नाउ स्टॉप वाटरिंग द प्लांट्स। अब तेनालीराम क्या बोलता है चोरों को, बहुत हुआ, अब पौधों को पानी देना बंद करो। द रोबर्स रियलाइज दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड। अब रोबर्स को समझ आ चुका था कि उन्हें क्या किया है, फंसाया गया है। दे ट्राइड टू रन अवे, उन्होंने भागने की कोशिश की, बट द कोतवाल एंड हिज गार्ड्स स्नैप्ड देम, बट जो कोतवाल और उसके सिपाही थे उन्होंने क्या था, चोरों को दबोच लिया। द नेक्स्ट डे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट क्लेवर तेनाली। अब अगले दिन क्या था, सब लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, तेनाली के बारे में बात कर रहे थे कि तेनाली ने कितनी होशियारी से चोरों को पकड़वा दिया। तो काम एंड लॉजिकल थिंकिंग कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो हमें हमेशा क्या है, शांत रहना चाहिए और सोचना चाहिए तरीके से, उससे हम क्या है किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ की सॉल्व कर सकते हैं। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया, उसके पास पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने क्या किया, ऐसी स्टोरी फैला दी कि चोरों को लगे उसके पास बहुत सारा पैसा है, और उन्होंने क्या किया, चोरों को दबोच लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।